अच्छा, हमने देखा मदीहा कि गूगल ने, फेसबुक ने कहा है कि जी अब हमें डिग्री नहीं चाहिए, अगर आपको स्किल आती है, हमारा टेस्ट पास कर सकते हैं तो हम आपको रख लेंगे। क्या पाकिस्तान में ये फैशन है कि बगैर डिग्री के अगर स्किल आती हो तो लोग रख लेते हैं, या अभी भी कहते हैं नहीं डिग्री पहले लेके आओ? सर, ये फैशन आ गया है और आना पड़ा, क्योंकि आपको पता है कि जैसे कि राइटर्स हैं तो कोई ऐसा स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट नहीं था जो राइटिंग की डिग्री देता था, तो लोगों ने कुछ भी पढ़ के राइटर्स बने। इसी तरह अब ये आप देखिए कि डेटा साइंस के बूट कैंप्स लगना स्टार्ट हुए, सो वट एवर यूर स्टडिंग, अगर आप कुछ भी पढ़े में आप ऑनलाइन जाके कुछ स्किल सीख लेते हैं, आपको उस स्टिल कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगी, सो यू गेटिंग द जॉब। ग्राफिक डिजाइनर्स हैं, मैक्सिमम भी कोई करा लेता है तो एक डिप्लोमा करा देता है, सही है। सो लोग चार चार साल की पढ़ाई पढ़ के देन वो एक स्किल सीखते हैं एंड देन दे बिकम ग्राफिक डिजाइनर्स। सो ये ट्रेंड आने लगा है, यू नो, स्किल बेस्ड जॉब्स पाकिस्तान में आ गई हैं फाइनली, बट अभी भी कुछ लोग डिस्क्रिमिनेट, कुछ कंपनीज डिस्क्रिमिनेट करती हैं। परसेंटेज में अगर हम डिवाइड करें कि भाई कितने लोग स्किल बेस्ड हायरिंग करते हैं, कितने बोझ लोग कहते हैं हमें इसके बाद डिग्री नहीं भगाओ उसको? 40% लोग स्किल बेस्ड हायरिंग एक्सेप्ट कर लेते हैं अब पाकिस्तान में। तो अगर 200 मिलियन लोग हैं, 200 मिलियन लोग काम करने वाले हैं, तो 80 मिलियन जॉब्स अवेलेबल हैं और 120 मिलियन कह रहे हैं डिग्री, वो भी थोड़ी देर में चल जाएगा। तो सवाल ये है कि हम फिर यूनिवर्सिटी भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं बच्चे को, डिग्री कराते हैं, तो ऐसा आपका क्या ख्याल है इस बारे में कि अगर मैट्रिक के बाद ही बच्चा इंटर्नशिप कर ले और अपनी स्किल्स को बढ़ा ले और काम देखना शुरू करे कि उसको क्या पढ़ना चाहिए, तो उससे उसको फायदा होगा करियर में? आप एज एन एचआर वेज, आपकी कंपनी है जो कि लोगों को नौकरी दिलाती है, आप उनको क्या, आपका क्या ओपिनियन है? मैं उनको ये कहती हूँ कि वो बिल्कुल आफ्टर मैट्रिक जो है वो इंटर्नशिप करें, ताकि उनको पता चले कि हमारे फील्ड ऑफ इंटर्नशिप से आपको क्या फायदा होता है। आप 2 महीने 1 महीना काम करते हैं, आपको पता चलता है ओ ये बाहर से तक ग्लैमरस दिखता था, क्या ये मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है भी या नहीं है। अब दिस इज माई ब्रदर, इसने अभी मैट्रिक किया है, सो हमने इसे भी फॉरेन इंटर्नशिप पे इसीलिए एंगेज किया, सो ही कम्स टू नो कि अगर हमारी कंपनी कैन ही ज्वाइन और नॉट, क्या उसका पैशन कुछ और है, क्या उसका पैशन कस्टमर ओरिएंटेड है, ऑल दो से जरूरत नहीं है, बट वो अपनी इंटरमीडिएट की चॉइस इसी बेसिस पे कर सकता है कि ओके मुझे कॉमर्स पढ़ना है या इंजीनियरिंग पढ़नी है, मुझे यूनिवर्सिटी में जाना भी है या वर्चुअल यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ के भी एक अच्छी डिसेंट जॉब अभी से आफ्टर इंटर स्टार्ट कर सकता हूँ। सो रिस्की चॉइसेस होते हैं, मैंने भी MBA नहीं किया, मुझे ऐसा लगा या सबको ऐसा लगा कि इट्स गोइंग टू बी वेरी रिस्की, मार्केट वुड नॉट एक्सेप्ट मी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। एज लॉन्ग एज यू आर टैलेंटेड, एज लॉन्ग एज यू नो दी स्किल्स, यू हैव द पैशन, मार्केट विल एक्सेप्ट यू। आई एम नॉट एन MBA ग्रेजुएट, सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट। तो बताने की क्या जरूरत है इसमें, कोई जुबाने वाली बात नहीं है, तो बताने वाली क्या बात? आपने डिग्री की बात की ना, सो डिग्री के रेलिवेंस, मार्केट हैज एक्सेप्टेड मी, मैंने हार मान ली, मैं हार मान, ठीक है, थैंक यू सर। यहाँ आप आए, आप कल भी आइएगा।